धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में शनिवार को पुलिस विभाग को दो नई सौगातें मिली, जिसमें सेक्टर एक में संजय जलाशय मार्ग पर एक नवीन चौकी तथा सागौर में पूर्ण तकनीकी उपकरणों से युक्त नवनिर्मित थाने भवन का लोकार्पण किया गया। पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 सागौर में 8 करोड़ की लागत से होने वाले कार्य का भी लोकार्पण किया। सर्वप्रथम पीथमपुर सेक्टर 1 संजय जलाशय पर इंदौर मुंबई राजमार्ग पर थाना चौकी का लोकार्पण किया गया, जिसके पश्चात सागौर थाने पर नवीन थाना भवन का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धार विधायक नीना विक्रम वर्मा द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन CSP तरुणेंद्र सिंह बघेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, विधायक जनप्रतिनिधि संजय वैष्णव, पीथमपुर नगर पालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, शहर के पत्रकार प्रेस क्लब अध्यक्ष कैलाश सागर और इसके साथ ही शहर के प्रतिनिधि और उद्योगपति कार्यक्रम में शामिल रहे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। लेके SP सर, पीथमपुर नगर पालिका की अध्यक्ष कविता जी, कुठाई जी और पाटीदार सर, उपस्थित TI साहब, सभी स्टाफ के मेंबर्स, उपस्थित सभी पार्षदगण, नागरिक बंधुओं, आज वाकई एक ऐसा दिन है जो समझ में नहीं आ रहा है कि इस दिन की कैसी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।